ये देखो भाई, ये क्या है, बढ़िया सा मैंगो मिल्क शेक है। कहाँ पर आए हैं, शॉप की क्या टाइमिंग है, और भैया ये बना कैसे है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त फूडी अमित कनपुरिया। और भैया आज हम लोग घूम रहे हैं रामनारायण बाज़ार के एरिया में, और यहाँ पर हमको एक बहुत बढ़िया सा पॉइंट नज़र आ रहा है, अभी नया नया भैया खुला है। कौन सा? ये विनोद कुमार राठौड़ शेक कॉर्नर है, ये पड़ता है भाई, ये देख रहे हैं मेरे पीछे LIC बिल्डिंग है। और LIC बिल्डिंग से जब आप सामने आते हैं रामनारायण बाज़ार में, तो यहाँ पे ये बढ़िया सी नई सी शॉप खुली है। यहाँ आपको मिलता है गर्मियों में मिलने वाले शेक, स्मूदीज, बहुत सारे आइटम मिलते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं ओनर से, बात करते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ लगवाते हैं। आइए दोस्तों मिलते हैं विनोद कुमार राठौड़ शेक वालों से। भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? भैया विशु नाम है मेरा। विशु जी। अच्छा ये जो शॉप है, ये आपके किसके नाम पे है? ये मेरे पापा के नाम पे, तिवारी स्वीट्स के सामने। अच्छा। पापा की शॉप लगती है। ये क्या लोकेशन है? ये रामनारायण बाजार है, LIC बिल्डिंग वाले चौराहे। ठीक है, ये तिवारी स्वीट्स के सामने आपकी शॉप? फादर की शॉप लगती है मेरी। फादर की शॉप है। क्या शॉप का टाइमिंग है आपके? 10 से 11 रात में, मतलब सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक आप यहाँ पे मिलते हैं गर्मियों के टाइम पे। जी 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 जी। अभी लग रहा है नई शॉप खुली है। हाँ जी जी जी। अच्छा भाई, तो भाई अपने पास मिल क्या रहा है गर्मियों के हिसाब से, क्या क्या मैंगो शेक मिल जाएगा भैया, बनाना शेक, चॉकलेट शेक। ठीक है, मतलब आपके पास शेक की कई सारी वैरायटी है। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरी लिस्ट इन्होंने लगा रखी, इनके पास शेक कई सारे मिल रहे हैं, जैसे मैंगो शेक है, बनाना शेक है, चॉकलेट शेक है। ये देखिए दोस्तों, आप भैया हमारे लिए शेक बनाने जा रहे हैं, और शेक के लिए पहले क्रश कर रहे हैं भैया आइस को। भाई ये जो शेक कौन सा बनाने जा रहे हो अभी? भैया मैंगो बनाने जा रहे हैं, मैंगो शेक बनाने जा रहे हो। अच्छा ये बताइए, मैंगो शेक में अगर कोई आइसक्रीम ऊपर से बढ़वाना चाहे या ड्राई फ्रूट बढ़वाना चाहे तो क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल डाल देते हैं, बिल्कुल डाल देते हैं, तो उनके एक्स्ट्रा चार्जेस, मतलब आइसक्रीम के पड़ते होंगे एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, तो अभी आप मैंगो शेक बनाने जा रहे हो, और बनाना शेक भी मिलता है आपके पास, दोनों चीज़, चॉकलेट शेक भी है। गर्मियों के लिए भैया बढ़िया सी पूरी व्यवस्था है, यानी क्या है, गर्मियों में आपके पास आ जाओ तो आराम से आपका दिन ठंडा हो सकता है। क्या बात है, देख रहे कितनी खूबसूरत तरीके से भैया बर्फ को क्रश करते हुए निकालते जा रहे हैं, कितना बढ़िया सा दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए जी, और अब बनेगा भाई हमारा शेक बनेगा। ये शेक इन्होंने ये क्या क्या ले रखा है इसमें? भैया इसमें पल्प बना रखा पल्प बना है मैंगो, जिसमें मैंगो ऐड होता है, शुगर हाँ, होती है और दूध होता है। उसके बाद फिर हम इसमें जार में, दूसरे जार में निकाल के मैंगो, मतलब पल्प डाल के हल्का सा दूध डाल के शुगर बर्फ़ डाल के ऐड करते थे। ठीक है, बनाइए। ये देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ की व्यवस्था पहले से करके रखी गई ताकि आप जल्दी में हो और यहाँ पे फटाफट आपको मिल जाए, आपकी रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक मिल जाए यहाँ पे पीने के लिए। ये देखिए दूध को ऐड कर दिया है। ठीक है, और शे ये चल गई मिक्सी वाली, सब कुछ मिक्स हो रहा है। अब ये हमारे शेक को सर्व किया जा रहा है। ठीक है, चलिए कितना जूसी सा एकदम क्रीमी सा शेक बन करके निकला है ये मैंगो शेक। ठीक है, अब इसके ऊपर से वाइट क्या डाल लो भैया? टूटी फूटी डालेंगे, गरी डालेंगे एल जी। ठीक है, और रुआ डालिए। चलिए देखिए, ये टूटी फूटी आ गई, ये थोड़ी गरी आ गई, और ये रुआ अफ़ज़ा। क्या प्राइसिंग का बन गया भाई ये शेक? मात्र 20 रुपये में ये अपने शेक पूरा बना करके कम्प्लीट कर दिया। क्या बात है भाई, ये तो भैया गर्मियों में बढ़िया आपने सिस्टम बनाया। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बनवा लिया है विनोद कुमार राठौड़ शेक कॉर्नर पे, बनवाया है भैया अभी मैंगो मिल्क शेक बनवाया है। इसकी भैया आपको पूरी मेकिंग दिखाई कि इसमें पड़ा क्या क्या है। भाई सबसे पहले भैया ने मैंगो पल्प लिया, उसके ऊपर डाला थोड़ा सा मिल्क, बढ़िया सा डाला, पूरा बढ़िया से बना करके दिया, ऊपर से सजावट की है किसकी, टूटी फ्रूटी की गई है, इसमें डाली है कोकोनट डाला है और रुआ अफ़ज़ा डाला है। अब भाई इसको पीते हैं, इसका स्वाद लेके आपको इसका टेस्ट बताते हैं कैसा है। एकदम भैया रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक है, क्योंकि भैया ऊपर से जो इसमें ये देख रहे हैं कोकोनट पड़ा है, और जो टूटी फ्रूटी पड़ी है उसका अलग ही फ्लेवर है, क्रंचीनेस है, और जो रुआ अफ़ज़ा है इसकी वजह से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा सा इन्हेंस हो गया है, और बढ़िया से एकदम चिल्ड सा बनकर गया है, जिसकी वजह से इस गर्मी में भी ठंड का मज़ा आ रहा है भाई।
तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं या भैया कभी भी भविष्य में कानपुर आने वाले हैं, तो क्या करिए, जब भी आप कानपुर में LIC बिल्डिंग के सामने रामनारायण बाजार में आइए, तो यहाँ पे भैया एक नई दुकान खुली है, कौन सी, विनोद कुमार राठौर शेक कॉर्नर वालों की, जहाँ पे आपको मिलती हैं गर्मियों की रिफ्रेशिंग ड्रिंक, जैसे कि मैंगो शेक है, बनाना शेक है और चॉकलेट शेक है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़रूर आइए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, यहाँ पे एंजॉय करिए, और भैया हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।